हाँ जी, वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स. इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ऑफ योर मैरिटल सेक्शन पार्ट 2 ऑफ योर नोट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर मैरिटल सेक्शन पार्ट 2. चलिए, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डायमराइजेशन रिएक्शन. द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डायमराइजेशन, जो भी रिएक्शन है उसने आपको ये बता दिया है कि वो सेकेंड ऑर्डर की है. इस 5.8 इंटू 10 रेस टू माइनस 6 रेट ऑफ फॉर्मेशन, उसका रेट ऑफ रिएक्शन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है. क्या क्या गिवन है? रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है. पहले रिएक्शन लेट कर लेते हैं. लेट इट बी ए गिव्स पी. इसके लिए अगर हम रेट लॉ लिखे, रेट इज इक्वल्स टू के, उसने आपको ये बात बोल दी है सेकेंड ऑर्डर डायमराइजेशन, दैट मीन्स रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर. तो पावर में क्या आएगा? 2. दैट मीन्स एक ये चीज होगी आपके पास क्वेश्चन में गिवन. क्वेश्चन में आपके पास रेट भी गिवन है कितना, दैट इज 5.8 इंटू 10 रेस पर माइनस 6 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 0.01 मोल पर लीटर मोनोमर कंसेंट्रेशन. मतलब जो आपका रिएक्टेंट है उसकी कंसेंट्रेशन, वो कोई मोनोमर. क्या होता है मोनोमर, वो आप लेटर ऑन जब आगे फर्दर चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है जी, दैट मीन्स आपके कंसेंट्रेशन एक ही रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन दी हुई है, दैट इज 0.01 मोल पर लीटर. मोनोमर एक्चुअली क्या होता है, छोटे छोटे यूनिट्स मिलके जो बड़ा यूनिट बनता है. जैसे मान लो प्रोटीन है, प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड्स. वो छोटे छोटे यूनिट जो अमीनो एसिड्स हैं वो क्या हो गए? मोनोमर्स. और प्रोटीन क्या हो गया? पॉलीमर. तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका ए क्या है? मोनोमर. तो उसकी कंसेंट्रेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है. कैलकुलेट रेट कॉन्स्टेंट. क्या कैलकुलेट करना है? के. बड़ा सिंपल है. तो रेट की वैल्यू भी गिवन है, ए की कंसेंट्रेशन भी गिवन है, रेट निकल के निकल जाएगा. चलिए, के का फॉर्मूला क्या बनेगा? ए वुड बी इक्वल्स टू रेट अपॉन ए. चलिए, रेट की वैल्यू क्या है? 5.8 इंटू 10 रेस पर माइनस 6 मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन ए की कंसेंट्रेशन 0.01 मोल पर लीटर. कभी क्या हो जाएगा? स्क्वायर. यूनिट्स का भी तो स्क्वायर होगा. तो दैट मीन्स इसको सॉल्व करके जो आपकी वैल्यू आएगी वो किसकी होगी? रेट कांस्टेंट की. और आपका रेट कांस्टेंट का यूनिट आ जाएगा यहाँ से मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स. ठीक है जी, आपको नहीं ऐसे क्लियर होता वैसे कर लीजिए, ये बात लिख लीजिए. तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा. मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. इक्वेशन है आपके पास, रेट आपको क्वेश्चन में दिया, उसने बोला हुआ रेट, रेट लॉ के लिए ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन. तो रेट लॉ ये बनेगा, रेट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, ए की वैल्यू क्वेश्चन, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, तो के निकल जाएगा आपका. इज इट क्लियर? ठीक है जी. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ न्यूमेरिकल सेक्शन 2. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 8. चलिए जी, इसको रब कर देते हैं, देख लीजिए इसको एक बार. चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8. एक रिएक्शन आपको गिवन है क्वेश्चन में, COCl2 गैशियस गिव्स CO गैशियस प्लस Cl2 गैशियस फॉलोज रेट लॉ. रेट लॉ भी क्वेश्चन में गिवन है, CO Cl2. इसका मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? 3/2. अब उसने आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होंगे? देखिए, सबसे पहली चीज जो ध्यान देनी है कि पूरी रिएक्शन गैशियस फेज, पूरी रिएक्शन इसमें गैशियस फेज है. या ये स्टार्टिंग की नहीं, या तो स्टार्टिंग के बिल्कुल पहले या दूसरे लेक्चर में जाकर देखिए, आपको ये चीज़ बताई हुई है कि अगर आपकी रिएक्शन गैशियस फेज में है तो हम कंसेंट्रेशन की जगह क्या लेते हैं? पार्शियल प्रेशर. और स्टैंडर्ड यूनिट क्या है प्रेशर का? एटमॉस्फेरिक. तो कंसेंट्रेशन की जगह हम यहाँ पे क्या लेंगे? प्रेशर. चलिए, रेट
कांस्टेंट का यूनिट निकालना है, रेट इज इक्वल के इज इक्वल टू रेट अपॉन सीओ सीएल टू. रेट का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम टेबल. पर मैं क्या बोल रही हूँ, रिएक्शन गैशियस फेज में है तो हम कंसेंट्रेशन नहीं लेंगे, क्या लेंगे, चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम टेकन. तो रेट का चेंज इन प्रेशर, प्रेशर का यूनिट हो गया एटमॉस्फेरिक, अपॉन टाइम टेकन. टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सेकेंड. एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड. COCl2 कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन की जगह आपने क्या लेना है, प्रेशर. बार बार बोल रही हूँ, रिएक्शन गैशियस फेज में है, जहाँ भी कंसेंट्रेशन की बात हो रही है, कंसेंट्रेशन की जगह आपने क्या लेना है, प्रेशर. रेट का फॉर्मूला क्या होता है, कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन. यहाँ हम कंसेंट्रेशन की जगह क्या होगा, प्रेशर, प्रेशर अपॉन टाइम टेकन. प्रेशर का यूनिट हो गया एटमोस्फेरिक अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन का हो गया पर सेकेंड. और ये कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन की जगह आपने क्या लेना है, प्रेशर एटमोस्फेरिक. ठीक है जी, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब पावर में माने 3/2 को जाके क्या हो जाएगा, माइनस. दैट मीन्स 1 - 3/2 सेकेंड इनवर्स. तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लीजिए, एटमॉस्फेरिक माइनस में आ जाएगा ये सेकेंड इनवर्स. इज इट क्लियर. जब आपको वैल्यूज भी नहीं हुई, इसका मतलब आपको वहाँ पे क्या निकालिए, यूनिट्स निकालिए. बहुत सिंपल, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है. सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन गैशियस फेज में और गैशियस फेज में आप कंसेंट्रेशन की जगह क्या लेट करते हैं, प्रेशर. इस वजह से यहाँ पे कंसेंट्रेशन की जगह हर जगह हमने क्या लिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट कंसीडर किया. आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू पीपल. दीज वर द 7th and 8th क्वेश्चन ऑफ योर न्यूमेरिकल सेक्शन 2. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द लास्ट टू क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10.